मेरे को कोई भुगते नहीं आवे, आई कमाई है गुरुदेव जरूर साहब। और जंग वास्ते आज अट बेला भी आदरणीय गुरुदेव सोनाराम जी, आज बहुत खुशी की बात है कि सोनाराम जी जो जिंदगी भर कमाई करी, अब कमाई दो तरह की भय गुरुदेव, एक तो पयाली जो मानाराम जी कर रही है, एक ज्ञान की, आप ज्ञान की कमाई करी वो आज उस कमाई आप सब लुटा रहे हो, तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुदेव। अब कमाई तो कई तरह की वे कर मांगे, मेरे को कोई भुगते नहीं आवे, आई कमाई है पुराना कोई कमाई खेरुड़ी चुकावनो पड़ियो, तो चिंता की बात नहीं है। और आपने दिल भी दुखावनो को नहीं पाया बहना, तो आदमी जा थोड़ा दौर लगे, आप तो ज्ञान बांट रही हो, तो गुरुदेव आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करा कि आपको स्वास्थ्य भी जो है ठीक ठाक रहे, और ताकि आप पूरा 100 साल 101 साल को रिकॉर्ड कायम कर जाओ, आई मारी चिल्लांगी आपके भगवान अरदास है। अब समाज में इंदू जी अब तो थे लेक्चरर काफ़ी हो गया, मैं 76 में कॉलेज में आयो लेक्चरर मेरे ख्याल होनाराम जी हैं विष्णु में, और आपने समाज में नेता ही गण ही, लेकिन जोर साहब बुद्धिजीवी पढ़िए लिखे इंग्लिश में आप कहीं कहो उन्हें बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हाँ भाई पूनम चंद जी साहब ही हाँ मो नेता मोटा गणा तो बदला जी साहब हाँ मुख्यमंत्री उठा, लेकिन भाई बुद्धिजीवी नहीं हाँ कम पढ़िया लिखे हाँ। राम सिंह साहब बी एल एल बी हाँ, लेकिन मैं किताब हूँ बी एल एल बी जरूर वेगी ही, लेकिन ये तो नॉलेज मैं नहीं रखता, पुस्तक रो पुस्तक पढ़ने मार पिताजी ने ज़्यादा शौक नहीं हो न मने है। और काफ़ी नेता रघुनाथ साहब उन दरमियान जो नेता हा मारे ख्याल जसवंत सिंह जी भी किताबें कमी पढ़े, क्योंकि सुबह 6 बजे तो घरों निकल जा और रात रात 11-12 बजे जान हुए, तो मन नहीं हम जो पचे कोई पढ़ने मौका मिले हमें। तो पूनम चंद साहब बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और एक बार साहब मैंने याद है चुनाव लड़ियो कांग्रेसर 1980 में, मान लो घरे जान पिताजी भी समझाया कि भाई आप चुनाव मत लड़ो, और आप कांग्रेस का बहुत प्रतिष्ठित नेता हो, जानकि राम सिंह थन ध्यान को नहीं ज्योतिर्म बुद्धिजीवी बहुत है, बुद्धिजीवी सब मैंने वोट दही, और हकीकत ही पूनम चंद साहब की पहचान थी। और जो पहली वक्ता आपने जुड़ियोड़ा आई मैं इन्हें कहीं कह सा हाँ जो मैं जुड़ियोड़ा टी वी माते लाइव मैं भी बताया कि भाई पूनम सिंह साहब आपके बहुत नज़दीक रिश्ता, तो सोनाराम जी साहब राम सिंह साहब भी बहुत अच्छा, सभी जो आगे दरमियान जो नेता रिया जसवंत सिंह जी तो चेले ही आप तो गुरु, और मैं तो चेले खाते थे गुरु भजमन दोस्त भी बना लियो मेरे मत बहुत कर पाई आएंगे, तो मेरे तो गुरु तो रिया ही आ। और आपको कॉलेज में भी एक बड़ो सर्कल हो पूर्ण सिंह साहब, आपने कॉलेज आप तो साथी रिया हो कॉलेज में भी बुद्धिजी पूरे बुद्धिजीवी है मास्टर दो तरह हुए प्रोग्राम नाराज मत हुई हो, एक तो बारी थी आला और एक बार यूँ पे कॉलेज आला, तो कॉलेज आला जो यानी मास्टर जी क्या मैं तो गांव वाला आदमी तो, लेकिन ए वे बुद्धिजीवी में और थाली नहीं आती बुद्धिजीवी नहीं गिनी जी अगर अब मैं नहीं कह रही हूँ समय कह रही है लोग बाग सब, तो मैं मेरी क्लास में भी आऊँ एक अलग स्थान हूँ गुरु को सोनाराम जी की अलग पहचानी, क्योंकि सब समझदार है, समझदार है माँ जगह बनानी बहुत दोरों काम है, अब अगले बड़े बुद्धिजीवी आ वहाँ माँ गुरु को अलग स्थान हो आपकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। जहूर साहब की भी पूरी कृपा ही आप मत है, जहूर साहब आप लोग तो कम परिचित हो सब, एक जोधपुर विश्वविद्यालय भी नहीं पूरे आपने जो विद्युत क्षेत्र है बुद्धिमान हो मैं आपको अलग ही वर्चस्व है, आपकी कई किताबें लिखी है और आप हमेशा मारवाड़ी साहित्य के प्रति राजस्थानी ने आगे बढ़ाने वास्ते बहुत काम करिए गुरुदेव आपने भी मैं प्रणाम करूँ। तो समय कम है उन्होंने खुशबू आने हेरू होगी जसवंत सिंह जी और खाने की खुशबू भी बिजे अड़चन नहीं बनो वक्त भी काफ़ी बोलना है, और आजकल ज्ञान तो मोबाइल ही बहुत है, आजकल हैंग दिन मोबाइल खोलते हैं वो ज्ञान ही ज्ञान दे, तो ज्ञान की ज़्यादा होने की इच्छा है कोई नहीं, इन्हें गुरुदेव ने भी सम्मानित भी हो गया एक तरह, और गुरुदेव की जो जिंदगी भरी कमाई ही बा आगे आप लोगों के बच्चों के आने वाली पीढ़ी के काम आवेला आई उम्मीद करा, और मैं पढ़ समझ और लोग आपका भविष्य अच्छा बनावेला गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमेशा बनियो रहेला, कहे जटे कहो नहीं कहो थे नहीं रवि नहीं पहुँचे पढ़ पहुँचे कवि, तो आपकी लिखी हुई किताबें हैं वे हमेशा चलती रहेला, आप रो नहीं रहोगी दुनिया में, इसी उम्मीद के साथ गुरुदेव आपके उज्ज्वल
स्वास्थ्य शुभ स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद।